यहीं से कलेजे जी बात करें अगर अब गेहूं की, तो गेहूं में क्या संभावना नजर आ रही है आपको ज्योतिष के अनुसार? देखिए गेहूं पर आपको याद होगा कि आपके साथ एक विशेष इंटरव्यू था जब सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनती है और वैसे ही हुआ और गेहूं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर पिछले कई सालों का उच्चतम स्तर देखा गया। अब जहां तक गेहूं का सवाल है, यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 करोड़ से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रकबे के आधार पर भारत सरकार ने तय किया था कि गेहूं की फसल इस बार, लेकिन उसके बाद सरकार ने करीबन 10 करोड़ 64 लाख का अंदाजन लक्ष्य से कम उत्पादन की घोषणा की, जो 11 करोड़ से ऊपर का था। और उसके बाद भी यही एक बधाई कि मार्च के अंदर जो तेज गर्मी रही और लू चली, उससे कि गेहूं की फसलों को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही गिरावट हुई और जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने आपको भी दिया था। अब महत्वपूर्ण खबर निकल के ये भी आ रही है कि अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है, वो भी पूरे विश्व के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करता है और वो काफी रिलायबल भी मानी जाती है। कि उसने आपको याद होगा कि कॉटन पे भी जो खबर दी थी, सोयाबीन पे भी जो थी, वो काफी सत्यता के नजदीक मानी गई और उसका हुआ। तो अमेरिकन सेवा के हिसाब से कि भारत के अंदर 9 करोड़ 90 लाख टन का उत्पादन गेहूं का होने की अनुमान लगाया गया है। अब ये गौरतलब है कि ये सरकारी आंकड़ों का रिवाइज आंकड़ों से भी कम है, क्योंकि उसमें 10 करोड़ 64 लाख के आसपास का था, तो उससे भी यानी 70 लाख टन जो है गेहूं की जो उत्पादन है वो कम का अंदेशा हुआ है। उसके बाद बावजूद कुछ हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है काफी बड़ी तादाद में। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कंजम्पशन क्या है, क्योंकि जब तक कंजम्पशन की बात नहीं समझे, यानी उत्पादन की तो हम बात करते हैं, उपभोग कितना होने की संभावना है, तो आंकड़ों के हिसाब से और पुराने आंकड़े इस तरह का एक विश्लेषण करके निकल के आ रहा है, तो लगभग 9 करोड़ 90 लाख 10 करोड़ के आसपास का जो है वो उपभोग माना जाना चाहिए। अब लेकिन एक चिंता की बात ये है कि भारत सरकार के जो गेहूं के भंडारण हैं उनका करीबन 4 करोड़ 44 लाख टन का खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जो घटके भारत सरकार ने 1 करोड़ 90 लाख के आसपास किया है, तो वो लक्ष्य से खरीदी का लगभग 50 से 55% कम है। तो कुल मिला के ये बाजारों के अंदर काफी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई का अंत भी अभी कोई खास अभी नहीं आ रही है, कल जरूर है कि रशिया कुछ यूरोपियन यूनियन में कुछ बैठकें हैं, उसके अंदर रशिया ने एक इल्तिजा की है कि वो यूक्रेन से बात करने को तैयार है। अब देखना यह है कि यूरोप उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस में छूट देते हैं या नहीं देते हैं, और यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जितना अनाज यूक्रेन यूरोप को देता है वो उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिला के वीट के अंदर काफी वॉलिटिलिटी रहने चाहिए की संभावना है। जून महीने में कैसी बड़ी तेजी और बड़ी मंदी की है उसके ऊपर हम विशेष एक इंटरव्यू भी करने की कोशिश करेंगे, उसमें डिटेल में हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी वॉलिटिलिटी रहने की संभावना है। जी कन्हैया जी,